वेलकम बैक बडीज, आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया ट्रैवल ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं कोलकाता साइंस सिटी। आज तो बहुत ही मजा आएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम साइंस सिटी के करीब आ चुके हैं, तो अभी हम एंटर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो साइंस सिटी कोलकाता का उद्घाटन 1 जुलाई 1997 में हुआ था। यहाँ पर साइंस म्यूजियम, साइंस पार्क और ऑडिटोरियम्स भी है। ये सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इस साइंस सेंटर में विज्ञान को बढ़ावा देने वाले कई ज्ञान और मज़ेदार प्रदर्शन हैं। तो आज तो हम फुल एंजॉय करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम, मैं और हिना आती शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर ग्रास को कट करके बहुत ही सुंदर बुलबुलैया का शेप दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, तो कहाँ से शुरू करें पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर रोपवे चल रहे हैं और बहुत सारे स्विंग्स हैं और साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आइए अभी हम आपको ले चलते हैं एक एक्साइटिंग डार्क राइड पे। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार राइड है जहाँ पर डायनासोर एज के स्टेजेस को दिखाया गया है। एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बन फेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोरा चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त हो गए थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती थी। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का। साइंस सिटी में सबसे अच्छा राइड हमको यही लगा और बहुत ही अच्छा लगा और जानने को भी बहुत कुछ मिला। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए।
के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं। डार्क राइड इतना रियलिस्टिक था कि लग रहा था एक पल के लिए हम वहीं पर आ गए। हम आज ऐसे ही एक तो आप आगे देखते जाइए, मैं तो थक गई हूँ। तो साइंस सिटी के बहुत सारे पार्ट्स में से ये एक पार्ट है यूनिवर्स थीम्ड। तो ये देखिए, ये है स्पीकिंग पिक्चर। तो आप ब्लैक साइड में फोकस करना और कमेंट्स में बताना आपको क्या दिख रहा है। तो हम बहुत थक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक्स पिया जाए। तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन ह्यूमन इवोल्यूशन के प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हो। हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई और वो उड़ गए, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल हड्डी तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि
इस कारण उनके मस्तिष्क के आधार। साइंस सिटी के बाकी पार्ट्स हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और वीडियो भी नहीं कर पाए, तो अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, तो हम रोपवे से एग्जिट करेंगे। ओके, सो चलिए चलते हैं। तो रोपवे से कितना अच्छा लग रहा है साइंस सिटी का व्यू। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो